रहमान रहीम खवातीन हज़रात, ये हम एक्सप्रेस वे नैरोबी पे हैं और जो हमारे आगे ये जो वैन जा रही है इसके अंदर अरशद शरीफ शहीद की का जस्ते खाकी है और उसके साथ जो उसके पीछे गाड़ी है ये पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी है और उसके पीछे हमारी गाड़ी है। मेरे साथ आतिफ फरूक भट्ट साहब हैं, राज जरार साहब हैं, हुसैन शाह साहब हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पीछे भी एक दो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और एम्बेसी के दीगर जो स्टाफ हैं उनकी गाड़ियां हैं। तो हम एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं तो इंशाल्लाह हमको 3-4-5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की दूर में दाखिल हो जाएंगे। और ये जो जस्ते खाकी है अरशद शरीफ का, शहीद का, तो ये इंशाल्लाह जो पहली अवेलेबल फ़्लाइट होगी कतर एयरवेज की उसके ज़रिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये इस वक्त हम चुरम मोचरी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के साफ़ी जो कल शहीद कर दिए गए उनकी डेड बॉडी को एयरपोर्ट पर पहुँचाने के इंतजाम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं, राना उज़ैर, मिस्टर आतिफ फारूक भट्ट, राना मोहम्मद जरार और हुसैन शाह साहब मौजूद हैं और कुछ एम्बेसी के लोग मौजूद हैं और साथ यहाँ पर ऑफिशियल पुलिस के कुछ अहलकार मौजूद हैं जो इस मामले में डेड बॉडी के साथ एयरपोर्ट जाएंगे। और अभी कुछ देर में इंशाल्लाह ये जो वैन नज़र आ रही है आपको, इस वैन के अंदर डेड बॉडी को रखा जाएगा। अभी डेड बॉडी जो है वो अभी वो प्यारी यहाँ आखिरी मराहल पे है। अभी ये जो ताबूत है कुछ देर के अंदर यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखें, ये पुलिस वाले भी हैं, ये हम भी हैं। आज रात इंशाल्लाह ये डेड बॉडी जो है ये पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी।